हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आज की जो स्टोरी है वो है ग्रीडी डॉग। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी और कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम छोटी छोटी सी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। और मैंने अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से इम्प्रूव किया है, अपनी वोकेबलरी को इस तरीके से इम्प्रूव किया है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो स्टोरी से क्या होता है, हमें मोरल भी मिलता है, हमारी वोकेबलरी भी अच्छी हो रही है और हमको नए नए सेंटेंसेस बनाने भी आ रहे हैं। सो वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ डॉग। देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता। देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था। जब भी हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हम देयर का यूज़ करते हैं वहाँ पर। He wandered from door to door. Wandered means क्या होता है, wandered means मतलब भटकना, यानी कि इधर से उधर घूमना। From door to door, वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर दौड़ रहा था। One day, एक दिन, he stole a piece of meat. एक दिन उसको क्या मिला, उसने क्या चुराया, एक पीस ऑफ मीट चुराया फ्रॉम अ बच्चर शॉप, एक बच्चर की शॉप से, यानी कि एक कसाई की दुकान से उसने एक मीट का पीस चुराया। ही रन अवे विद इट, और वो उसको लेकर के वहाँ से दूर भाग गया। ठीक है, ही रन अवे, रन अवे मतलब दूर चले जाना, वहाँ से दूर भाग जाना। विद इट, उस वो मीट के उस टुकड़े को लेकर के वहाँ से दूर चला गया। ही रन अवे आउट ऑफ द टाउन। ओके, ही रन अवे, वो वहाँ से दूर चला गया। कहाँ, आउट ऑफ द टाउन, जो टाउन था, जो वो शहर था, वो उससे वहाँ से दूर चला गया। देयर वॉज अ स्ट्रीम क्लोज बाय। सो वहाँ पर क्या था, देयर वॉज अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, स्ट्रीम मीन्स होता है कोई नदी, नाला, जो आप देखते हैं ना, कोई भी जिस पे नदी टाइप की सी कुछ भी होती है, नाला टाइप का कुछ भी होता है, तो वो उसके पास में ही, क्लोज बाय मीन्स उसके पास में ही या उसके समीप जो है, नदी या नाला जैसा कुछ भी था। इट वॉज अ गुड प्लेस फॉर हिम टू एन्जॉय द पीस ऑफ मीट। इट वॉज अ गुड प्लेस, यानी कि ये जो था ये बहुत ही अच्छी जगह थी उसके लिए, उसके लिए टू इन्जॉय द पीस ऑफ मीट। इन्जॉय मीन्स आनंद लेना, द पीस ऑफ मीट, मीट का जो टुकड़ा था उसका मज़ा लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसके लिए ये जगह जो थी वो कैसी थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी इसके आगे का पार्ट और भी है। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, व्हेन ही वॉज पासिंग ओवर द प्लैंक। ओके, व्हेन ही वॉज पासिंग यानी कि जब वो पास कर रहा था। पास मीन्स क्या होता है, पास मीन्स वहाँ से गुजरना, वहाँ से निकलना। जब हम किसी के सामने से निकलते हैं ना तो हम कहते हैं पासिंग। ठीक है, ओवर द प्लैंक, ओवर मीन्स होता है ऊपर, द प्लैंक, प्लैंक क्या होता है, जो दो पुल भी हम उसको बोल सकते हैं, प्लैंक यानी कि दो जो नाली है उसको दो जगह से, जो पटरा टाइप का हम उसको बोलते हैं ना, प्लैंक या पटरा, या फिर हम उसको पुल जैसा भी कुछ बोल सकते हैं प्लैंक। जब वो उस पुल को या उस पटरे को क्रॉस कर रहा था या पास कर रहा था, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ही सा, उसने देखा, सा मीन्स उसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है उसकी परछाई या उसका प्रतिबिंब इन द वाटर। उसने पानी के अंदर, जो वो पानी था जिस नदी नाले से वो गुजर रहा था, वहाँ पर उसने अपनी परछाई को देखा। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अनदर डॉग, कि शायद वो जो था वो कोई दूसरा कुत्ता था। इट वॉज अनदर डॉग, वो शायद कोई दूसरा कुत्ता था। विद अ लार्जर पीस ऑफ मीट, विद मतलब साथ, अ लार्जर, लार्जर मीन्स बड़ा, पीस ऑफ मीट, मीट के बड़े टुकड़े के साथ, यानी कि लार्जर मतलब अगर हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हम उसे लार्जर बोलते हैं वहाँ पर, यानी कि जो मीट का टुकड़ा उसके पास था उससे भी बड़ा शायद उस वाले कुत्ते के पास था जिसको उसने परछाई में देखा। ही सा वेरी ग्रीडी, और वो कैसा दिखाई दिया हमें, वो हमें बहुत ज़्यादा लालची दिखाई दिया। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुँह में पानी आ गया, उसके मुँह के अंदर जो है पानी आ गया। ही वॉन्टेड टू गेट देयर पीस, और वो उस पीस को, जो वो टुकड़ा था मीट का, वो उसको भी पाना चाहता था। पीस ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स मतलब उसको भी, गेट मीन्स होता है पाना, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे। सो ही वॉन्टेड मतलब वह चाहता था, टू गेट दैट पीस ऑल्सो, यानी कि वह वो वाला टुकड़ा भी पाना चाहता था। गेट मीन्स होता है पाना। ठीक है, हम इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट इस सेंटेंस में हम इसको गेट को पाना यूज़ करेंगे।
ही वॉक्ड एट द डॉग इन द वॉटर. ही वॉक्ड मतलब उसने भौंकना शुरू किया. वॉक मीन्स होता है भौंकना. उसने भौंकना शुरू कर दिया एट द डॉग उस डॉग के ऊपर इन द वॉटर जो कि पानी में था. जो कि कहाँ था कुत्ता? जो पानी के अंदर कुत्ता था उसने उस वाले कुत्ते के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया. फिर क्या होता है, कुत्ते को भोंकने के बाद में जब उसको लगा ना कि ये जो बड़ा वाला कुत्ता है इसके पास में बहुत सारा है, तो उसने उस वाले कुत्ते के ऊपर भोंकना शुरू कर दिया. व्हेन ही ओपन्ड हिज माउथ, व्हेन ही ओपन्ड, ओपन मीन्स खोलना, ओपन मीन्स होता है खोलना. जैसे ही उसने अपने मुंह को खोला, हिज माउथ मतलब अपने मुंह को खोला, हिज ओन पीस यानी कि उसका अपना, ओन मीन्स अपना, पीस ऑफ मीट जो उसका पीस का मीट का जो उसका टुकड़ा था, फेल इन टू वॉटर. फेल मीन्स गिर गया, इन टू मतलब मैं, वॉटर मीन्स पानी. जो उसका अपना मीट का टुकड़ा था वो कहाँ गिर गया? वो पानी में गिर गया. वो पानी में गिर गया, इन टू मतलब मैं, वॉटर मीन्स पानी. ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड मतलब वह था, वेरी मतलब बहुत सैड. फिर वो कैसा हुआ? वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. ही रिपेंटेड, ही रिपेंटेड ओवर हिज फॉली. ही रिपेंटेड, रिपेंटेड मीन्स क्या होता है? रिपेंटेड मीन्स होता है, रिपेंटेड मीन्स जैसे कि आप समझ लीजिए कि रिपेंटेड मीन्स होता है उसको जो उसने किया, जो भी उसने किया था उसका पछतावा हो रहा था. यानी कि उसको ऐसा लगा कि जो मैंने किया है वो बहुत गलत कर दिया, तो उसको उसके ऊपर पछतावा. ओवर हिज फॉली यानी कि फॉली मीन्स होता है मूर्खता. उसको अपनी मूर्खता के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. बट इट वॉज टू लेट, पर अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. सो जो इस स्टोरी का मोरल है वो क्या है? स्टोरी का मोरल, ग्रीड इज़ अ कर्स. ओके, ग्रीड इज़ अ कर्स. इस स्टोरी का मोरल है कि अगर हम लालची होते हैं, अगर हमारे अंदर लालच आता है तो वो क्या होता है? वो एक अभिशाप है, वो हमारे लिए बहुत बुरा है. क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो जो हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उनकी वैल्यू को भी खो देते हैं. और उसके कारण जब हम किसी और चीज़ को पाना चाहते हैं, डॉग ने क्या करा, उसने उस कुत्ते ने क्या करा, उस कुत्ते ने दूसरा टुकड़ा चाहा मीट का ना, पर उस दूसरे टुकड़े को चाहने की चाह में उसने जो उसके पास था उसको भी खो दिया. सो फ्रेंड्स, ये कैसी लगी स्टोरी आप मुझे ज़रूर बताइएगा. इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं, इनका मीनिंग भी देखा है. आप जो है वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं कॉपी के अंदर. मैं इसी तरीके से एक्चुअली अपनी